हाँ जी, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। क्वेश्चंस लिखिए और प्रैक्टिस करते हैं भाई। एक दो लेक्चर का और रह गया, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? तो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, आप करना है, आपको करना है पहले इसको सॉल्व। के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल है यहाँ पर, मूल इक्वल है समीकरण के मूल यदि इक्वल हो, तो आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है के की। जो ऑप्शंस गिवन है वो है 5, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन डी है 0, ठीक है? तो ये यहाँ पर अपने पास ऑप्शंस हैं। ऑलराइट, तो करिए भाई इसको सॉल्व करिए। क्या करना है इसमें, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? आपको दे रखा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, समीकरण के मूल इक्वल हैं, हमें के का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमने समीकरण लिख लिया, 3k-1x + 2k² + 2k-11 = 0। इसके मूल इक्वल है का क्या मतलब है? मतलब अल्फा बराबर बीटा। रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, डी की वैल्यू जीरो होती है। डी क्या होता है? डी होता है b² - 4ac। जब डी जीरो होता है तभी रूट्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ? ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करेंगे। ऐसा करने से यहाँ से a आ गया है 1, क्योंकि x² के इनटू में 1 है, और b की वैल्यू आ गई है -3k - 1, एंड सी की वैल्यू आ गई है 2k² + 2k-11। तो ये वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ पर रख देते हैं b² - 4ac = 0 में। b² देखिएगा क्या हो जाएगा, -3k - 1² - 4a की वैल्यू है 1, और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू ये है, रख दीजिए 2k² + 2k-11, ये c की वैल्यू है = 0, ठीक है? या स्क्वायर ओपन करेंगे आप तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने से। यहाँ बचेगा 3k - 1² - 2k² + 2k-11 = 0। अब हम कर देते हैं इसमें स्क्वायर ओपन, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, है ना? ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया, ओपन कर दिया। यहाँ -4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बताइएगा कितना हो जाएगा? -8k² - 8k + 11 = 44 = 0, ठीक है? ये यहाँ पर हमें टर्म मिली फाइनली। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 9k² + 1, माइनस कितना हो जाएगा भाई 6k, माइनस का हो गया 6k, -8k² - 8k + 44 = 0। यहाँ 9k² प्लस का है, यहाँ माइनस का 8k², ओवरऑल कितना k स्क्वायर बचेगा? सिंगल 1k² बचेगा। माइनस का 6 है और माइनस का 8 है, माइनस का 14k बचेगा, और ये 44 और ये 1 कितना हो गया भाई 45 हो गया = 0। अब आप बताइए इसमें फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई, फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके? 9k - 5k आप टोटल करेंगे आएगा 14k, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45 = 0। यहां से k कॉमन आ गया k-9, यहां से माइनस का 5 कॉमन, k-9 = 0। तो k-9 वन ऑफ द फैक्टर एंड k-5 सेकंड ऑफ द फैक्टर। तो k-9 0 होगा या फिर k-5 0 होगा। तो k की वैल्यू आ गई है 9 और k की वैल्यू आ गई है 5। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, 9 भी सही है और 5 भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया है। k की जो वैल्यू आ गई है 9.5 दोनों है, k = 9, k = 5, बोथ आर करेक्ट, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नोट कर
कर लीजिए, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, इज एवरीथिंग क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इस चैप्टर में प्रैक्टिस ही करना है आपको, है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है, बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ है, कई टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, तो सीट के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें आप लोग। नेक्स्ट लिखिए इसमें, सेकेंड वाला क्वेश्चन लिखिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 by alpha square and 1 by beta square। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमें x square plus 2x plus 1 is equal to 0, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 9x square 2x plus 1 is equal to 0, ऑप्शन सी है 9x square minus 2x plus 1 is equal to 0, ऑप्शन डी है 9x square 2x minus 1 is equal to 0। तो ये यहां पर फोर ऑप्शंस हमें गिवन है, तो समझिएगा क्वेश्चन को, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान दें क्या दे रखा है आपको, ये एक वर्ग समीकरण है और अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, और आपको यहां पर बताना है कि वो समीकरण बताइए जिसके रूट 1 बाय अल्फा स्क्वायर और 1 बाय बीटा स्क्वायर हो, क्लियर है। चलिए देखिए, तो फिर है ना, यहां हम लिख सकते हैं सिंस गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट क्या है अल्फा एंड बीटा, रूट्स का मतलब ये हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का बी अपोन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपोन ए, तो यहां पर आप कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो ए की वैल्यू वन, बी है माइनस टू एंड सी है थ्री, तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा 2 बाय 1, या फिर बोल सकते हो आप 2 आ गया, सी अपॉन ए कितना आएगा 3 आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया हमें 2, अल्फा इनटू बीटा मिल गया 3। ओके, अब आ जाते हैं हम पॉइंट पर कि अगर ये जो है रूट्स हो तो इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, चलिए बढ़िया, तो सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots alpha and beta x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0, तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन which equation having roots alpha and beta, अगर रूट वहां पर alpha and beta की जगह क्या हो 1 by alpha square हो and 1 by beta square हो, 1 by alpha square and 1 by बीटा स्क्वायर, तो दिस इज द इक्वेशन, है ना, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पर हमें एक चीज पता है कि अल्फा प्लस बीटा आ गया 2 और अल्फा इनटू बीटा आ गया 3, तो ये दोनों वैल्यू रखनी है हमें बस इसमें, और बताना है कि क्या यहां से इक्वेशन निकल के आ रही है। चलिए तो इसमें रखते हैं हम, इसको करते हैं और सॉल्व, यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर एलसीएम लें माइनस, सॉरी ना, माइनस एलसीएम लेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहां तो आई है 1 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अब सिंस वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चल ही रहा है, चाहे यहां एक्स भी है, ओके x plus 1 upon alpha beta का whole square is equal to 0, अब इसमें value रख दीजिए, value क्या रखनी है हमें, आप भी जान रहे हो दिख रही है आपको value alpha plus beta की जगह रखना 2 and alpha into beta की जगह रखना 3, तो alpha plus beta की जगह रखना 2, 2 का square हो जाएगा और alpha into beta की जगह हमें कितना रखना है 3, upon alpha into beta की जगह 3 रखा but whole square होने की वजह से वो क्या हो गया 9 हो गया, और यहां भी होल स्क्वायर होने की वजह से 9 हो गया इज इक्वल टू 0, अब हम इसको रफ कर देते हैं,
यहां समझिएगा ये कितना बचेगा, 4 माइनस का 6 अपॉन 9x प्लस 1 बाय 9 इज इक्वल टू 0। आगे इधर सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड साइड, तो x स्क्वायर माइनस यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 4 माइनस का 2 अपॉन 9x प्लस 1 बाय 9 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा एलसीएम, 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल गई हमें इक्वेशन, ये मिल गई हमें इक्वेशन, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है भाई सभी को। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सभी टाइप के क्वेश्चंस पहले आप लोग सॉल्व करा करें, नहीं समझ आ रहा है तो उसको आगे कंटिन्यू समझिएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, आपको यहां पर इक्वेशन बतानी है और रूट्स दे रखे हैं ना, of any equation 1 upon 3 plus root 2 and 1 upon 3 minus root 2, then equation is, आपको बतानी equation क्या होगी। यदि किसी समीकरण के root आपको पता हो, मूल पता हो, और वहां पर आपको समीकरण बताना है कि कौन सा समीकरण है, कौन सा वर्ग समीकरण है जिसके ये मूल आपको गिवन दिए हैं, तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन है। आप समझ गए होंगे क्या कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होने वाला है। आपको पता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन, देन इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब इस क्वेश्चन में आपको अल्फा की जगह दे रखा है 1 अपॉन 3 प्लस रूट 2 एंड बीटा गिवन है 3 माइनस रूट 2। रख देते हैं भाई यहां वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं क्या आएगा। अल्फा की जगह रखा हमने 1 अपॉन 3 प्लस रूट 2 एंड बीटा इज 1 अपॉन 3 माइनस रूट 2 एक्स। 1 अपॉन 3 प्लस रूट 2 और बीटा है 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू जीरो। यहां एलसीएम लीजिए क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो दोनों आ जाएंगे 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2, इसका अदर मल्टीप्लाई हुआ, इसका अदर मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस रूट 2 एंड 3 प्लस रूट 2 और x। यहां पर भी ऐसा ही रहने दीजिए, या चाहे तो यहां पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लग गई। क्या होती है भाई, a माइनस बी ए प्लस बी आ जाए तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हम लिखेंगे इसे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया कैंसिल। अब देखते हैं क्या बच रहा है, क्या स्टेप बच रही है यहां पर, ये समझते हैं। एक्स स्क्वायर यहां कर रहे हैं ना, माइनस ये 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां भी वही प्रॉपर्टी लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी ये वाली है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज x प्लस ये कितना आ गया 1 बाय 9 माइनस 2, ठीक है 7 बचेगा 7 एक्स स्क्वायर। तो यहां पर भी 7 बचेगा क्योंकि एक ही तो है दोनों जगह, प्लस 1 बाय 7 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लीजिए, 7 आ रहा है एलसीएम, 7 का मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 7 इधर जाकर के 0 हो जाएगा, 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर है ना।
देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट वाला ही सही लग रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया है। वेरी इजी क्वेश्चन था, बट फिर भी कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये रूट वूट कहाँ से आ गए हैं, नहीं समझ आता है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। एक लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर का और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ रूट्स अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो आर सच दैट 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 7 एंड 5 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, देन आपको बताना है पी और क्यू की वैल्यू। ऑप्शन ए है दोनों 1-1 आएंगी, ऑप्शन बी है -1, 1, ऑप्शन सी है -2, 1, ऑप्शन डी इज 2, 1। तो एक बार क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, है ना, ट्राई करिए और देखिए भाई आप कर पा रहे कि नहीं इस क्वेश्चन को, समझिएगा ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा हम यहाँ लिख लेंगे, सिंस गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो उसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहां पर बी की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में, ए है 1, बी है माइनस का पी और सी है क्यू, है ना, बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में भी, हाउ टू कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी बी कितना हो जाएगा प्लस का पी हो जाएगा, ए हो गया 1, बी हो गया पी और सी हो गया क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये ए बी सी आ गए। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस का पी, ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया क्यू हो गया। तो ये दो चीजें तो यहां पर क्लियर हुई। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन समझ लें, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है। आपको ऐसा दे रखा है कि ये वर्ग समीकरण जिसके मूल अल्फा और बीटा है, इस तरीके से है कि अल्फा और बीटा में ये इक्वेशंस गिवन है। अब आपको पी और क्यू का मान बस निकालना है यहां से। तो देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा तो मिल गया माइनस पी, एंड अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया माइनस का क्यू, सॉरी प्लस का क्यू। अब जो दो इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व करके अगर हम कहीं निकाल पाए अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, तो यहाँ रख देंगे अल्फा बीटा, यहाँ रख देंगे अल्फा बीटा, तो पी एंड क्यू हमें मिल जाएगा इजीली। तो हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 7 एंड सेकंड इक्वेशन इज 5 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशंस को हम किसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी मेथड आपने पढ़ी होगी, इलिमिनेशन मेथड पढ़ी नहीं, इलिमिनेशन मेथड। तो हम बीटा को इलिमिनेट कर लेते हैं। ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें पूरे में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो ये है, ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, 5 4 20 अल्फा माइनस का 4 बीटा एंड 4 4 16, दैट वुड बी सेकंड इक्वेशन, है ना। अब हमने इनको दोनों को ऐड कर दिया, एडिशन, तो ये कैंसिल हो गए, हमने बीटा को एलिमिनेट कर लिया है और ये प्लस हो जाएंगे, माइनस नहीं कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो ये हो गया 23 अल्फा इज इक्वल टू 23, देन अल्फा वुड बी 23 अपॉन 23। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई है 1। जब अल्फा आ गया तो बीटा तो आप निकाल ही सकते हो। देखिए सेकंड वाली ये जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 5 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 रख दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, 5 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू बीटा, देन बीटा आ गया 1। तो दोनों 1 बन आ गए, अल्फा ही बन आ गया, बीटा ही बन आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा इंटू बीटा क्यू है ना, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू तो आ गया 1, यहाँ से पी देखिए कितना आएगा,
माइनस का 2। अब आपको निकालना क्या था, p कॉमा q, तो p है माइनस का 2 और q है 1, तो ये आ गया आंसर। देख लीजिए किस ऑप्शन में सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, माइनस 2, 1, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। प्रॉपर नोट्स जरूर बनाते चले आप, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करें। कॉन्सेप्ट तभी अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो
आप लोग इसको पहले ट्राई करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, जो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, समझ लो भाई, है ना, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट टाइम की क्वेश्चंस में से एक है। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। सॉल्यूशन बताना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस फाइव मॉड एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो का, इसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। हल याद करना है माइनस वन कॉमा फोर, बी वन कॉमा फोर, सी ऑप्शन माइनस फोर कॉमा फोर एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज में सारे आंसर आ जाते हैं, लाइक डज नॉट एग्जिस्ट, लाइक नॉट डिफाइन, है ना, एनीथिंग एल्स, जो भी ऑप्शंस में नहीं है वो नन ऑफ दीज में सब आ जाता है, जीरो भी आ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोग करिए इसको सॉल्व, एक बार ट्राई करिए, है ना। एक मिनट दिया मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। समझिए, अगर आपको नहीं आया देन समझिए फिर। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए थे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव मॉड एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ऐसा है। अब सिंस वी नो दैट हम जो एक्स स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर या फिर मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब हो जाता है ऑलवेज पॉजिटिव एंड मॉड का मतलब भी वही होता है। तो आप मॉड लगाइए मत लगाइए, बात एक ही है, ऐसा लिखा हो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इसको लिखेंगे मॉड एक्स का स्क्वायर फाइव मॉड एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज करके वैल्यू निकालनी है। तो फैक्टराइज कर लीजिए, यहां लाना है फोर और यहां है फाइव, तो क्या फैक्टर हो जाएंगे, फोर एंड वन, टोटल हो गया फाइव, प्रोडक्ट करने पर मिलेगा हमें फोर। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एंड यहां से कुछ कॉमन है, यहां से कॉमन लीजिए, मॉड एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा मॉड एक्स प्लस फोर, यहां से प्लस का वन कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा मॉड एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। मॉड एक्स प्लस फोर कॉमन आ रहा है एंड मॉड एक्स प्लस वन आ गया इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों को हम अलग अलग जीरो रख देते हैं, मॉड एक्स प्लस फोर को जीरो रख रहे हैं एंड मॉड एक्स प्लस वन को जीरो रख रहे हैं। यहां से मॉड एक्स आ रहा है माइनस का फोर एंड यहां से मॉड एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस का वन, ठीक है। तो बताइए भाई ऑप्शन क्या है, आंसर्स क्या है आपके। अच्छा आपको मैंने बताया था, पहले भी बताया था कि अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू ए हो, ठीक है, मॉड एक्स इज इक्वल टू ए हो तो दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है ए पर ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो यहां से आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस ए, ठीक है। इफ ए इज पॉजिटिव नंबर देन, है ना, लाइक अगर यहां पर होता मॉड एक्स इज इक्वल टू फोर तो यहां से एक्स क्या आता, प्लस माइनस फोर। पर हमेशा ध्यान रहे अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू ए है और ए कोई नेगेटिव नंबर है, ए कोई नेगेटिव नंबर है तो आपका यहां पर आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स या फिर नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मॉड एक्स इज इक्वल टू अगर माइनस फोर है या मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है तो मॉड एक्स यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव के बराबर हो गया। हाउ इट इज पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ना, मॉड एक्स जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ऑलवेज पॉजिटिव, और हाउ इट इज इक्वल विद नेगेटिव नंबर, तो ये नेगेटिव नंबर के साथ कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा इस केस में, नो सॉल्यूशन। सो यहाँ भी वही कंडीशन बन रही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। विच ऑप्शन इज करेक्ट नाउ, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज आपका आंसर यहां पर सही है क्योंकि मॉडुलस एक्स जो है वो नेगेटिव के बराबर आ गया है। इसी क्वेश्चन में अगर हम माइनर से करेक्शन करके सॉल्व करें या फिर एक नया क्वेश्चन बनाए जिसमें माइनस प्लस का चेंज आ जाए, जिसमें यहां पर माइनस आ जाए, माइनस का फाइव मॉड एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, आप रट्टा ना मार लेंगे, सर ने बताया था ऐसा क्वेश्चन आया मतलब आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, है ना, नन ऑफ दीज आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, तो ऐसे बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो आप इसके फैक्टर लेंगे इस तरीके से, ओके। ये हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सिमिलर टाइप का। अब यहाँ कॉमन आएगा मॉड एक्स, ये बचेगा मॉड एक्स माइनस फोर, यहां से कॉमन आएगा माइनस का वन,
mod x minus 4 is equal to 0, ये आएगा mod x minus 1 and mod x minus 4 is equal to 0. यहाँ से एक value आएगी mod x is equal to 1 and second one is mod x is equal to 4. तो यहाँ से आप x को क्या लिख सकते हैं, plus minus 1 and x is plus minus 4. तो both are different question, ठीक है, and different answer. तो इस वाले का आंसर क्या आ गया, none of these आ गया, इस वाले का आंसर ये आ जाता, ठीक है, clear है? आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके ही पता चलेगा कि वहां पर क्या आंसर आने वाला है. ऐसा नहीं है कि पहले से हम रट के बैठ जाए कि नहीं भाई नन ऑफ दीज ही आंसर आता है उसका, तो इस टाइप से नहीं है. अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ x square plus 6x plus lambda is equal to 0 and 3 alpha plus 2 beta is equal to minus ka 20, then aapko find karna hai lambda ki value. Option A hai minus 8, option B hai minus ka 16, option C hai plus 16 and option D plus ka 8. Question ko samajhiye, dekhiye aur solve kariye. क्या दे रखा है, हिंदी मीडियम वालों को बता दें भाई, आपको दे रखा है ये एक वर्ग समीकरण है जिसके मूल अल्फा तथा बीटा है. आपको अगेन एक और इक्वेशन गिवन दे रखी है और आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का मान याद करिए, ठीक है. अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, ये तो है इक्वेशन. इसकी कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, ए वन बी एस सिक्स एंड सी एस लैम्डा. अब अगर आपको अल्फा एंड बीटा रूट्स दे रखे हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा इनटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए से हो जाएगा ये माइनस का 6, राइट, एंड ये आ जाएगा लैम्डा. तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस का 6 एंड अल्फा इनटू बीटा आ गया लैम्डा, ठीक है. और क्या दे रखा है उन्होंने, उन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा जो है वो माइनस का 20 है. तो हमें इन सब का हेल्प लेकर के सॉल्व करना है. तो दो तरीके हैं, एक तो आप ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में कोई भी मेथड लगा लीजिए जो आपने टेंथ में पढ़ी हो, लाइक एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, 3 मेथड्स आर देयर. तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहा है अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस 6 है. तो ये जो 3 अल्फा दिख रहा था इसको हमने लिखा अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल माइनस 20. इसे हम लिख सकते हैं इस टाइप से कुछ, राइट, अल्फा प्लस 2 इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 6 है, तो माइनस 6 रख दीजिए इज इक्वल माइनस 20. तो यहां आएगा माइनस 20, अल्फा आ गया माइनस 20 प्लस 12 एंड अल्फा वुड बी माइनस का 8. तो अल्फा की वैल्यू तो मिल गई हमें माइनस का 8. अब हमें बीटा भी मिली जाएगा, अगर अल्फा मिल गया है तो बीटा भी मिली जाएगा, यहां से मिल जाएगा बीटा, है ना, यहां से मिल रहा है. अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 6, ये है माइनस 8, माइनस 6 बीटा आएगा माइनस 6 प्लस 8 एंड बीटा वुड बी प्लस का 2. तो अल्फा आ गया माइनस का 8 एंड बीटा आ गया प्लस का 2. ये दोनों वैल्यू कहां रख देंगे, यहां पर, सिंस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, इसमें रख दीजिए. अल्फा आ गया माइनस का 8 एंड बीटा आ गया 2, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, माइनस का 16. व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी यहां पर सही है. तो आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. तो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था. लैम्डा की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी थी हमें, कुछ चीजें गिवन थी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जरूर करते हैं सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1x प्लस m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और यहां पर हमें बताना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा. ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, सी एम एंड डी इज एम स्क्वायर. तो
समझिए भाई, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को क्या दे रखा है और कैसे सॉल्व करना है, क्या फाइंड करना है। देखिएगा हमें ये दे रखी है इक्वेशन, तो सबसे पहले हमने लिख लिया इक्वेशन 2x² - 2m² + 1x + m^4m² + 1 इज इक्वल टू 0। इसके हमने कंपेयर करी ax² + bx + c = 0 से। क्यों करते हैं कंपेयर? क्योंकि हमें a, b एंड c की वैल्यू पता चल जाए, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब ऐसा होने से हमें अल्फा प्लस बीटा पता चल जाता। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस का b अपॉन a। तो यहां से कितना आ जाएगा? b ऑलरेडी माइनस का है, m² + 1 / a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा आ गया ओनली m² + 1। ठीक है, ये आ गया है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a। नाउ अल्फा इंटू बीटा हम फाइंड करेंगे, दैट वुड बी c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c है m^4 m² + 1 / 2। ठीक है, c अपॉन a, तो ये आ गई वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की। अब फाइंड क्या करना हमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β² तो α² + β² की वैल्यू हमें निकालनी है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको फॉर्मूला बताया गया है a² + b² का, a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। कैसे फॉर्मूला आया अगर ये वाली बात कर रहे हो आप? तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस का 2ab प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 2ab, ये बन जाता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसलिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको आप डायरेक्टली याद रखिए ना। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α β। ओके, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मींस यहाँ क्या रखेंगे हम, m² + 1 का भी होल स्क्वायर, राइट? ओके, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, m^4 m² + 1 / 2। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म यहां पर बचेगी। ठीक है, अब आगे इसको हम स्क्वायर को ओपन कर देते हैं एंड यू नो दैट कैसे इसको सॉल्व करना है। आगे हमें यहां लगाना है a + b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a² + b² + 2ab। तो लगा दीजिए, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab माइनस, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दी रहे हैं, -m^4 - m² - 1। यह जाएगा m^4 + 1 + 2m² - m^4 - m² - 1। ये हो गया कैंसिल, 1 भी हो गया कैंसिल, क्या बचेगा 2m² - m² फाइनली यहां से क्या बचा, m² बचेगा। देन कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, आपको पता चल गया होगा अब तक तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन डी, यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऐसे करना था सॉल्व इसको और ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और देखते हैं अभी क्वेश्चन थोड़े से और इजी टाइप के, जिनमें आपको क्या करना है ये चीज समझ पड़े। इफ पी एंड क्यू आर रूट्स ऑफ x² + px + q, देन, अच्छा ये मैं चाह रहा हूँ कि होमवर्क नहीं मिल रहे हैं आज आपको, आजकल आपको बहुत दिनों से, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि आप होमवर्क में लिखें इस क्वेश्चन को और बताएं इसका क्या आंसर आएगा, पूरा सॉल्यूशन करके सॉल्व करके भेजें आंसर सहित। सी पी 1 है, क्यू 0 है एंड डी ऑप्शन इज पी माइनस का 2 है एंड क्यू 0 है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है होमवर्क में, होमवर्क नोट कर लीजिए और इसको आप सेंड करेंगे। वन ऑफ मोर क्वेश्चन फॉर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर होमवर्क। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स
square plus 2x plus 4 is equal to 0. Then आपको find करना है 1 upon alpha cube, 1 upon beta cube की value. Options हैं minus 1 by 2, 1 by 2, 32 and d is 1 by 4. ये दोनों question homework हैं, आप लोग solve करेंगे और जो भी answers आएंगे आप send करेंगे. ठीक है? Thank you so much. Have a nice day.